हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 1 क्लास 3rd सब्जेक्ट एसएसटी। वन वर्ड्स है, नंबर 1 है दे आर प्ले फॉर एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। स्टूडेंट्स बताइए कि एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन के लिए हम क्या खेलते? तो आंसर होगा इसका गेम्स। जो गेम्स होते हैं वो हमें क्या कराते हैं, एंजॉय भी देते हैं और हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स भी देते हैं, आराम भी देते हैं। नंबर 2 है कि क्रिकेट हॉकी बिलियर्ड्स आर कॉल्ड। जो गेम्स होते हैं क्रिकेट हॉकी बिलियर्ड्स, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रोफेशनल गेम। क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल गेम। नंबर 3 है कि दे आर प्ले इनसाइड ए हाउस और ए बिल्डिंग आर कॉल्ड। ऐसे गेम्स जो कहाँ खेले जाते हैं, घर के चार दीवारी में या घर के बिल्डिंग्स के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा स्टूडेंट्स इंडोर गेम्स। क्या आंसर होगा? इंडोर गेम्स। नंबर 4 है दे आर मेड ऑफ मड बैम्बू स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। स्टूडेंट्स बताइए कि ऐसे घर जो कि मड से, बैम्बू यानी बांस से, स्ट्रॉ जो सूखी हुई तिनके होते हैं और ड्राई लीव्स जो सूखी हुई पत्तियां होती है उनसे तैयार होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं या उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा स्टूडेंट कच्चा हाउस। क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स? कच्चा हाउस। नंबर 5 है वेरी टॉल बिल्डिंग्स आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स बताइए जो टॉल बिल्डिंग्स होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? बताइए टॉल बिल्डिंग्स जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स जो होती है उनको हम टॉल बिल्डिंग्स होती है। स्काई स्क्रैपर्स जो होती है वो टॉल बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। दे आर टेम्पररी हाउस। बताइए टेम्पररी जो हाउस होते हैं यानी कि थोड़े से समय के लिए ही रहते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं। तो किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं। तब जिसको हम बोलते हैं तंबू, ठीक है? तो इंग्लिश में हम उन्हें क्या कहते हैं? टैंक्स कहते हैं। जो टैंक्स होते हैं वो हमारे टेम्पररी हाउसेस कहलाते हैं। दे बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो इन वेरी कोल्ड एरियाज। देखिए स्टूडेंट्स, जो कोल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर जो बर्फ होती है उसके ब्लॉक्स के घर बने होते हैं, ठीक है? तो उन घरों को किस नाम से आप जानते हो? तो एस्किमोस कहा जाता है उन्हें, एस्किमोस, E-S-K-I-M-O-S, एस्किमोस। स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। जो मैप्स की स्टडी है उसी का क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। मैप्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कार्टोग्राफी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हमें डायरेक्शंस का पता चल जाता है? कंपास। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। East, West, North and South directions are cold। स्टूडेंट्स आप बताइए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शंस होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो डायरेक्शंस होती है उन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। दे आर द रेफरेंस पॉइंट्स यूज टू स्पेसिफाई लोकेशंस एंड द डायरेक्शंस ऑफ द मैप इज कॉल्ड। मैप के ऊपर हम क्या कहते हैं, लोकेशंस पे हमें जाना होता है या किसी डायरेक्शन में हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? लैंडमार्क। क्या कहा जाता है? लैंडमार्क। दे मेक्स अस लाफ विद हिज फनी एक्शंस। वे कौन होते हैं जो हमें हंसी मजाक के द्वारा हंसाने का काम करते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लाउन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लाउन। क्या कहेंगे? क्लाउन।
money earned from occupation is called, जो पैसे के द्वारा money earned from occupation is called, जो भी हम कार्य करते हैं और उससे हमें जो मनी होती है, मनी कमाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इनकम. क्या कहेंगे? इनकम. दे सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर. पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड. ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड. चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? ऑर्फन्स कहा जाता है. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्फन्स कहते हैं. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.